हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको केसियो एफएक्स 991MS से वेक्टर कैलकुलेशंस किस तरह से की जाती हैं ये बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम किस तरह से कर सकते हैं। कैलकुलेटर को ऑन करेंगे, शिफ्ट के साथ मोड प्रेस करेंगे, प्रीवियस जो भी मोड इसमें एक्टिव है उसको हम हटा देंगे टू प्रेस करके, तो मोड क्लियर हो जाएगा इक्वल टू से। अब ये डिफॉल्ट मोड में है। सबसे पहले हम मोड को 3 times प्रेस करेंगे। 3 times प्रेस करने से हमें ये 3 positions पर वेक्टर दिख रहा है, तो इसे हम 3 press करके वेक्टर में ले आएंगे। अब वेक्टर को हमें फीड करना होता है। वेक्टर फीड करने के लिए हमें शिफ्ट के साथ 5 को प्रेस करना होता है। यहाँ ऊपर VCT लिखा हुआ है, ये वेक्टर को शो कर रहा है। इसके अंदर हमें ऑप्शंस मिलते हैं, डायमेंशन, एडिट, वेक्टर और एक एरो बटन दिख रहा है, इसलिए हम इस एरो बटन को प्रेस करेंगे जिससे हमें डॉट दिख रहा है जो कि डॉट प्रोडक्ट को शो कर रहा है। इसी बटन से हम पीछे जा सकते हैं। यहाँ पर हमें डायमेंशन सेट करनी होगी, वेक्टर को फीड करना होगा। उसके बाद फीड किए हुए वेक्टर में अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो ये एडिट 2 से एडिट किया जा सकता है। यहाँ पर हमें सबसे पहले इसकी डायमेंशन सेट करनी है। 3 vectors हम यहाँ पर मैक्सिमम पुट कर सकते हैं, एक साथ उन पर वर्क कर सकते हैं। तो पहला ए वेक्टर है, उसके लिए हम 1 प्रेस करेंगे। यहाँ पर एम पूछ रहा है, यानी कि डायमेंशन आपको देनी है। मैंने यहाँ पर 3 dimensions का वेक्टर लिया है तो मैंने 3 पुट कर दिया और इक्वल टू प्रेस किया। यहाँ पर मैंने 2 vectors लिए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर है 5i-2j+k, तो यहाँ पर जो पहला कंपोनेंट है वो 5 है तो इक्वल टू प्रेस कर देंगे। A2 यानी कि सेकंड कंपोनेंट जो कि -2 है तो -2 लिखकर इक्वल टू प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर A3 लिखा हुआ आ रहा है, इट मींस K का कोएफिशिएंट, और K का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 लिख के इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। इस तरह से हमने वेक्टर फीड कर दिया। इसे हम देख भी सकते हैं इक्वल टू प्रेस करके 5, -2 and 1। अब AC बटन प्रेस करेंगे, दूसरा वेक्टर हमें फीड करना है, तो शिफ्ट के साथ फिर से 5 button को प्रेस करेंगे, डायमेंशन में जाएंगे, सेकंड को चूज करेंगे, इसकी भी 3 dimensions है, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। अब वेक्टर में B1 लिखा हुआ आ रहा है, तो B1 में i+j+3k मैंने लिया है, इसलिए i का कोएफिशिएंट लेंगे जो कि 1 है, फिर j का कोएफिशिएंट भी 1 है एंड k का कोएफिशिएंट 3 है। तो इस तरह से हमने B1, B2, B3 फीड कर दिए, 1, 1 and 3। इन्हें एडिट किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कुछ एंट्री गलत हो गई है तो आप यहाँ पर एडिट वाला बटन यूज करके चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि वेक्टर ए और बी को ऐड किस तरह से किया जाए, तो इसके लिए हम शिफ्ट बटन को यूज करेंगे और 5 को प्रेस करेंगे। अब हमारे पास वेक्टर्स ऑलरेडी फीडेड है तो हम 3 button को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर ए बी सी और आंसर लिखा हुआ आ रहा है, यानी ए वेक्टर को शो कर रहा है। तो अब यहाँ पर 1 प्रेस करने से वेक्टर ए कॉल कर लिया हमने। अब प्लस करेंगे, फिर सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, शिफ्ट के साथ 5 को प्रेस करेंगे, फिर 3 को प्रेस करेंगे और यहाँ से बी वेक्टर के लिए 2 को प्रेस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इज इक्वल टू को प्रेस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर का पहला टर्म 6, दूसरा टर्म फाइंड करने के लिए हैं एरो बटन दिख रहा है तो इसलिए हम एरो प्रेस करेंगे, तो आंसर 2, -1 आ रहा है और थर्ड आंसर 4 आ रहा है। इस आंसर को हम इसी बटन से वापस भी देख सकते हैं, तो हमारा आंसर आ गया है 6i-j+4k, तो ये ए प्लस बी वैक्टर की वैल्यू आई है। अब इसी तरह से हमें a-b फाइंड करना है, तो इसके लिए AC प्रेस करेंगे, फिर हम रिप्ले बटन को प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम लिखा हुआ दिख रहा है, इसे हम एरो बटन से शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ प्लस के प्लेस पर माइनस कर देते हैं और फिर इज इक्वल टू प्रेस कर देते हैं। अब हमें आंसर मिल जाएगा सब्ट्रैक्शन का, तो आंसर इज 4-3 and -2। इसका मतलब है आंसर आ रहा है 4i-3j-2k। तो इस तरह से हम इजिली वेक्टर के कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।